एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम कैचर्स DIY स्पेस सेविंग आइडियाज। आज हम आपको स्पेशली ये दिखाने वाले हैं कि कैसे मेंस एंड बॉयज के जो वार्डरोब होते हैं वो कितने मैसी हो जाते हैं, कितना प्रॉब्लम होता है कोई भी सामान ढूंढने में, एंड हम कैसे दो ड्रॉर्स के अंदर मैक्सिमम सामान DIY ऑर्गेनाइजर्स यूज करके रख सकते हैं। एंड ये वीडियो किस किस को देखनी चाहिए, तो मैं आपको एक बेसिक सा क्लिप देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब हम ड्रॉर में सामान मैसी तरीके से रखते हैं। सो लेट्स सी, या तो हमारे ड्रॉर्स बराबर से खुलते नहीं है, एकदम मैसी हो जाते हैं, ओपन होने में प्रॉब्लम हो जाती है, इतना सामान भरा होता है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती सामान रखने की, या फिर हमें कुछ ढूंढना है तो हमें वो मिलता नहीं है टाइम पे, बिकॉज सारी सारी चीजें ओवरलैप हो जाती है, एक चीज होती है। अब ये देखिए, ये और ड्रॉर वापस साथ में खुल गया, इतना सामान भरा है और ऑर्गेनाइज नहीं है प्रॉपर तरीके से, और इसमें ये पूरा ड्रॉर साथ में खुल रहा है। Now, I want, अगर मुझे रेडी होना है और ये सॉक्स ढूंढना है, मुझे ये सॉक्स का पेयर नहीं मिल रहा है, मुझे ये सॉक्स का पेयर नहीं मिल रहा है, ओके, मतलब ये सब ढूंढने में ये टाइम वेस्ट हो जाता है, ये और मैसी हो जाता है ड्रॉर, एंड हमें चाहिए कि हम इसे और अच्छे से जमा के रखें, जिससे कि ना तो हमारा रूटीन में टाइम वेस्ट हो, वी गेट मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज आजकल सबको चाहिए कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कर पाएं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएं, एंड अपने वार्डरोब को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख पाएं, एंड ज्यादा से ज्यादा सामान कम से कम जगह में रख पाएं। तो आज ये वीडियो में हम ये दो ड्रॉर्स में कितना सामान पहले था और अब कितना आ सकता है वो हम दिखाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि DIY स्पेस सेविंग आइडियाज के हर वीडियो में हम एक प्रो टिप देते हैं वीडियो के एंड में, इसमें भी एक प्रो टिप दी जाएगी, सो जरूर देखिएगा एंड में ये प्रो टिप। सो लेट्स गो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कि किस तरह से हम पहले ही सारे गार्मेंट्स को फोल्ड करेंगे जिससे कि ये कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा आ सके। सो बॉक्सेस फोल्ड करने के बहुत तरीके हैं, बट बिकॉज हमारे पास ऑर्गेनाइजर है अब, तो हम बहुत सिंपल तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, एंड ये इस तरह से किया, एंड देन एक फोल्ड और एंड वन मोर फोल्ड, और उसके बाद में हमें सिर्फ इसे रोल कर देना है जिससे कि ये इजीली ऑर्गेनाइजर में फिट हो जाएगा। हैंडकरचीफ कैन बी नॉर्मल फोल्ड्स, सॉक्स इस तरह से अगर लॉन्ग सॉक्स है, क्योंकि उसके बाद हम इसे रोल कर देंगे जब हम इसे ऑर्गेनाइजर में डालेंगे, अगर शॉर्ट सॉक्स हैं तो भी इस तरह से, बिकॉज इसके बाद हम इसे रोल करेंगे। सो सैंडोज एंड टी शर्ट फोल्ड करना है अब हमें, ये लास्ट का इतना सा पार्ट हम छोड़ देंगे, एंड देन हम इसे फोल्ड करके बस इतना कॉम्पैक्ट कर देंगे अंदर रखने के लिए। अब हम ये ड्राई फिट शॉर्ट्स को भी ऐसे फोल्ड करके, और इसमें एक चीज करनी है कि इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको इसमें इंटरलॉक कर देना है, एंड ये फोल्ड रेडी हो गई। नाउ दिस इज रेडी टू गो इन द ड्रॉर। सो एवरीवन, फाइनली आपने देखा कि कितने सारे कपड़े इतने छोटे जगह में आ गए हैं, इतने छोटे ये दो ड्रॉर्स हैं जिनमें ये आ चुके हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग एक्साइटेड होंगे अपने वार्डरोब में ये DIY ऑर्गेनाइजर्स को और इस तरह से कपड़ों को फोल्ड करके ट्राई करके रखने का। सो जरूर प्लीज पुट योर कमेंट्स बिलो द वीडियो, जरूर बताइए, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज यू कैन आस्क। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि एक प्रो टिप दी जाएगी हमें, तो जब आपने डिसाइड कर लिया है कि ऑर्गेनाइजर आपको कहाँ प्लेस करना है आपके ड्रॉर में, आप टू वे ग्लास टेप आती है मैंने यहाँ इंस्टॉल करी है अलग अलग कॉर्नर्स में, जिससे कि वो अपनी जगह एक बार फिक्स हो जाए,
एंड वो मैंने नीचे भी यहाँ इंस्टॉल किया है इसमें और यहाँ नीचे भी. सो बेसिकली इफ यू यूज दैट ग्लास टेप तो आपके ये ऑर्गेनाइजर अपनी जगह फिट हो जाएंगे, उससे आपको और ज्यादा आसानी होगी इसे यूज करने में. एंड दैट्स इट. प्लीज जरूर देखिएगा हमारा एक और वीडियो जिसमें कि हमने बताया है कि ऑर्गेनाइजर्स को कैसे बनाना है. एंड बाय.